फिल्म बनाते वक्त प्रोड्यूसर के साथ हमारी लड़ाई होती है कि हमें इतनी बजट चाहिए। प्रोड्यूसर बोलता है कि नहीं, ये बजट नहीं है, इससे कम में करो। और फिर जो नेक्स्ट मुद्दा जहाँ पे बताए आपकी फिल्म आके फंसी, तो अक्सर हमारे पास वही होता है कि सेंसर वाले टेकन फॉर ग्रांटेड लेते होंगे, भोजपुरी वाले हैं, चार कट्स दे दो, ये जाएंगे कहाँ, ना रिव्यू जाएंगे ना कहीं जाएंगे। तो सैल्यूट है उनको, उनकी हिम्मत को, उनकी करेज को, कि पहली भोजपुरी फिल्म होगी जो रिलीज के लिए शायद बॉम्बे हाई कोर्ट गए। हम अपने तरफ से बींग ए क्रिएटिव, बींग ए डायरेक्टर, बींग ए राइटर, बींग एन आर्टिस्ट, जो पॉसिबिलिटीज है जितना है, मैंने न्यूट्रल पार्शियल होकर ही एक फिल्म को बनाया है। कि अगर हमारा हीरो बोलता है कि हाँ, मैं गर्व से कहता हूँ कि मैं हिंदू हूँ, और हिंदुत्व का झंडा अगर वो लहरा रहा है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? हम लोग फिर से, कि हम लोग लकी थे कि रिव्यू कमेटी के सामने हमको फाइट ज़्यादा नहीं करना पड़ा, ये एक्सप्लेनेशन देना नहीं पड़ा कि ये इसके रीज़न है, हमने ये बुलवाया है, ये साउंड इसलिए है, तो ऐसा तो कभी था ही नहीं। तो जब कट्स आए तो हम लोग काफ़ी आहत थे, और मैं तो था ही डिप्रेशन में। मैं बता रहा हूँ कि मैं रेडी था कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा उनकी बातों को मान के कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए हम सर्टिफिकेट ले। अच्छा सर, जब एक डायरेक्टर एक फिल्म बनाता है, एक विज़न के साथ बनाता है, एक सोच के बनाता है कि भाई ये नाम होगा, ये स्क्रिप्ट होगी, और ये इस तरीके से मैं बनाना चाहता हूँ, फिल्म की रिलीज डेट भी आ जाती है, लेकिन फिर फिल्म जब फंस जाती है तो कैसा लगता है? और फिर जब कोर्ट जाने के बाद उसकी रिलीज फाइनल हो जाती तो कैसा लगता है? दोनों फीलिंग जो है वो डिस्क्राइब कर दीजिए। सवाल आपका अच्छा है, और दोनों चीज़ को डिस्क्राइब मैं भली भांति कर सकता हूँ क्योंकि मैंने काफ़ी फिल्म किए हैं। और अनुमान होता क्या है कि फिल्म बनाते वक्त प्रोड्यूसर के साथ हमारी लड़ाई होती है कि हमें इतनी बजट चाहिए। प्रोड्यूसर बोलता है कि नहीं, ये बजट नहीं है, इससे कम में करो। मैं लकी हूँ, फॉर्चुनेट हूँ कि मुझे रोशन जी जैसे प्रोड्यूसर मिले। लड़े वो भी, वो बहुत बड़े लड़ाकू है, हर बात पे लड़ते हैं। तो उन्होंने लड़ा बजट के लिए कि नहीं, इस बजट में कैसे बनेगी, आपने तो बजट कम सोचा है, इसमें तो बजट और बढ़ाना पड़ेगा। तो मैं इसीलिए लकी कहूँगा खुद को। और फिर जो नेक्स्ट मुद्दा जहाँ पे बताए आपकी फिल्म आके फंसी, तो अक्सर हमारे पास वही होता है कि सेंसर वाले टेकन फॉर ग्रांटेड लेते होंगे, भोजपुरी वाले हैं, चार कट्स दे दो, ये जाएंगे कहाँ, ना रिव्यू जाएंगे ना कहीं जाएंगे। वैसा ही इस बार भी हुआ, तो मैं भी मेंटली प्रिपेयर था कि चलो कुछ कट्स करते हैं, लेकिन रोशन सर बोले बोले नहीं, जो आपका विजन है, जो आपने सोचा है, और जो ऑथेंटिक है, जिसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, तो हम कट्स क्यों दें? हम बोले तो फिर देन हमारे पास उपाय क्या है? बोले हम लड़ेंगे, हम सच्चा काम, अच्छा काम कर रहे हैं, उसके लिए लड़ेंगे। तो सैल्यूट है उनको, उनकी हिम्मत को, उनकी करेज को, कि पहली भोजपुरी फिल्म होगी जो रिलीज के लिए शायद बॉम्बे हाई कोर्ट गए, और पिटीशन डाला गया, और फिर बॉम्बे हाई कोर्ट के तरफ से जब गया चीज़ें, और फिर रिव्यू कमेटी बैठी, तो कमेटी वाले काफ़ी समझदार लोग थे। वो लोग समझे कि भाई अगर कोई ऑब्जेक्शन कर रहा है कट्स में, तो डेफिनेटली देर आर सम वैलिड पॉइंट्स। तो वो पॉइंट्स उन लोगों ने देखा, समझा, और जो उनके बोर्ड मेंबर थे उन्होंने समझा कि हाँ, इसमें तो कट्स लग कुछ है नहीं। और मैं आपके थ्रू से यही सवाल उठाना चाहूँगा कि अगर मैं अपनी फिल्मों में राम जी की जय बुलवा रहा हूँ, हिंदुत्व की बातें हो रही है, तो इसमें बुराई क्या है? फिल्म समाज का दर्पण होता है। आज समाज पूरा, देश हमारा राममय हो चुका है, तो उसका रिफ्लेक्शन अगर हमारी फिल्म में दिख रही है तो किसको क्या प्रॉब्लम है? और ये तो ऑडियंस देखेगी, देखने के बाद डिसाइड करेगी कि हाँ, हम इम्पार्शियल रहे, न्यूट्रल रहे कि नहीं रहे। हम अपने तरफ से बींग ए क्रिएटिव, बींग ए डायरेक्टर, बींग ए राइटर, बींग एन आर्टिस्ट, जो पॉसिबिलिटीज है जितना है, मैंने न्यूट्रल पार्शियल होकर ही एक फिल्म को बनाया है। जो चीज़ें जो रिव्यू कमिटी वाले थे उनको समझ में आया, और उन्होंने फिर विदाउट एनी कट, जैसे सर ने बताया कि विदाउट एनी कट हमें फिर से सेंसर का सर्टिफिकेट मिला, और अब हम फिर से रिलीज के लिए तैयार है। तो ये एक्सपीरियंस मेरे लिए लाइफ में पहली बार थी आफ्टर 36 फिल्म। तो डेफिनेटली ये एक्सपीरियंस को तो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। और एक हिम्मत हो रहा है कि भाई आगे भी चल के हम कुछ भी बातें बोले, अगर हमारे साथ रोशन सर जैसे प्रोड्यूसर है, तो हम उस बात को सेंसर वाले को मनवाएंगे। ऐसा नहीं कि कुछ भी है कट म्यूट और ये सब चीज़ें चल जाएंगे, वो नहीं होने वाला है। तो हिम्मत हमारी भी बढ़ी है, बस इतना ही कहना चाहूंगा। अच्छा, कट्स कौन कौन से बोले थे, कितने कट्स बोले थे? मतलब क्योंकि आप डायरेक्टर हैं तो आप
बारीकी समझा सकते हैं कि कहां कहां कट्स बताए गए? कट्स जैसे जो ट्रेलर में था उन्होंने बता दिया कि कॉमनल डायलॉग्स कॉमनल सीन्स को हटाना है। आखिर वो लोग कैसे चार आदमी मिल के इन चीजों को कॉमनल समझ लिए, जबकि हमारा ट्रेलर ऑन एयर यूट्यूब पे पहले ही हो चुका था और जो सारे बातें पे उनको ऑब्जेक्शन थी, चाहे राम जी की जय गाना हो, राम जी की जय की बोली हो, चाहे डायलॉग्स हो, उनके करोड़ों व्यूज आ चुके थे और आप YouTube में अभी भी चेक कर सकते हैं। विदाउट एनी टेम्परिंग सारा कुछ आएगा, कोई भी एक वैसा मैसेज आपको नहीं दिखेगा कि हाँ भाई ये फिल्म तो कम्युनल लग रही है या ऐसा है वैसा है, कोई बात नहीं थी। सिर्फ जिन लोगों ने देखा उनको कहाँ से कम्युनल लग गया मुझे समझ में नहीं आया। और वही मुद्दे को मैं उठाना चाहता हूँ आपसे कि अगर हमारा हीरो बोलता है कि हाँ मैं गर्व से कहता हूँ कि मैं हिंदू हूँ और हिंदुत्व का झंडा अगर वो लहरा रहा है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? एक एक्शन सीक्वेंस होता है जिसके पीछे हमने शिव तांडव को यूज किया है, उसको उसको ऑब्जेक्शन था, जबकि वो शिव तांडव उस मूड के लिए ही बना गया है। वो गाने का जो है वो उसी से, जब कोई दुश्मन का विनाश किया जाता है, पाप का नाश होता है, तभी वो गाने बजते हैं। तो हमारे पास लॉजिक तो थे ही, हालांकि मैं वही बताऊंगा, हम लोग फिर से कि हम लोग लकी थे कि रिव्यू कमिटी के सामने हमको फाइट ज्यादा नहीं करना पड़ा, ये एक्सप्लेनेशन देना नहीं पड़ा कि ये इसके रीजन है, हमने ये बुलवाया है, ये साउंड इसलिए है। उन लोगों ने खुद समझा और बहुत अप्रिशिएट किए, बोले कि आपने बहुत अच्छी फिल्म बनाई है, देशभक्ति पर आधारित फिल्म है, हम आपको विदाउट एनी कट यूए देते हैं। तो मैं फिर से थैंकफुल, जैसे हमारे कंप्लेन है सेंसर बोर्ड पे, सेम टाइम हम थैंकफुल भी हैं कि रिव्यू कमेटी वाले ने एटलीस्ट हमारी बातों को, हमारी फिल्म को समझे, तब जाके एक पूरी फिल्म जो हमने सोचा था, हम रोशन सर मिलके जो परिकल्पना की थी, वही फिल्म पर्दे पे दिखेगी। बनाते हुए दिमाग में आया था कि कोई इस तरह की दिक्कत हो सकती, दूर दूर तक भी कहीं सोचा था? नहीं, ऐसा नहीं था, क्योंकि हमारे इंटेंशन था ही नहीं कि हम कोई जानबूझ के वैसी चीजें रखे तो जिसके कारण, और कोई भी चाहता नहीं है कि जानबूझ के फिल्म में ऐसे कुछ रखे, और हम लोग उस मेंटेलिटी क्रिएटिव लोग हैं, जानबूझ के प्रोपोगंडा या पब्लिसिटी स्टंट तो कर नहीं सकते हैं, तो ऐसा तो कभी था ही नहीं। तो जब कट्स आए तो हम लोग काफी आहत थे और मैं तो था ही डिप्रेशन में। मैं बता रहा हूँ कि मैं रेडी था कि जितना ज्यादा से ज्यादा उनकी बातों को मान के कॉम्प्रोमाइज करते हुए हम सर्टिफिकेट ले, लेकिन हमारे रोशन सर बोले नहीं, जब यहाँ तक हम आए हैं और फिल्म जो सोच के बनाया है, जो विजन आपका है, जो आपने हमें दिखाया है, वही सपना, वही फिल्म मुझे चाहिए। इसके लिए मुझे चाहे हाईकोर्ट जाना पड़े, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, कहीं कुछ करना पड़े, तो मैं फिर से वही बोलूंगा कि इनकी जो करेज है, इनकी जो हिम्मत है, उसको सैल्यूट है। अगर ये नहीं रहते तो शायद ये फिल्म अभी जो 7 कट आया है उसमें से 5 कट हम मान लेते और फिर 2 कट वो सेंसर वाले कॉम्प्रोमाइज करके फिल्म आती और हमारा शायद बैठ के ये बातें भी नहीं कर रहे होते। तो आज हमारी ये बातचीत हो रही है, ये इसका क्रेडिट रोशन जी को ही जाता है। अब सेंसर आ गया, अब बता दीजिए फिल्म रिलीज कब हो रही है? रिलीज हम लोगों ने 7 जून का डेट सोचा है, सर ने सोचा कि भाई 7 जून बेस्ट रहेगा। ऑलरेडी हम लोग डिले हो ही चुके हैं और इनके काफ़ी लॉसेस हो चुके हैं, क्योंकि आप समझ सकते हैं इतनी बिग बजट फिल्म जो एक प्लान्ड हो गया था कि होली पे आएंगे, होली जैसा फेस्टिवल पे, और होली पे सेंसर बोर्ड के कारण नहीं आ पाने के कारण ऑलरेडी ये करोड़ों के लॉस में है। तो अब इस चीज़ को हम लोग ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करते हैं, तो वही सोचा कि हम लोग 7 जून को आते हैं और सारे पब्लिक का और दर्शकों का प्यार मिलेगा, तो जो भी चीज़ है भरपाई वहीं से हो सकती है। चलिए उम्मीद करते हैं देर आएंगे, दुरुस्त आएंगे, जो नुकसान हुआ है दर्शक उसकी पूर्ति कर देंगे। बस दर्शकों से वही गुजारिश है कि भाई ये फिल्म को हम लोगों ने दिल से बनाई है, इस फिल्म में देशभक्ति है, इस फिल्म में आपको हिंदुत्व भी रहेगा, ये फिल्म में आपको प्यार भी रहेगा, इमोशन, एक्शन, ड्रामा सब कुछ मिलेगा। एक कंप्लीट फिल्म है जो बहुत दिनों बाद बनी है, तो जरूर आए, भर भर के आए 7 जून को और इस फिल्म को प्यार दे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।